प्रभु जी मुझे चरणों का रख लो सेवादार, 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 प्रभु जी मुझे चरणों का रख लो सेवादार। राजा जान स्थिति का अहंकार का पर्दा फट गया है, मति निर्मल हो गई है, भीतर से मल साफ हो गया है, ज्ञान के प्रकाश ने उसके भीतर का अंधकार दूर कर दिया है, भक्ति के दीप ने उसके भीतर का तिमिर नष्ट कर दिया है, मति पवित्र हो गई है। अतएव राजा जान श्रुति महात्मा रघु से कहता है, महाराज मेरे राज्य में जो शांति एवं संतोष है वह आपकी कृपा का प्रतिफल है। आज तक जो ये सोचता था कि सब कुछ मेरे कारण है, सोच बदल गई। गुरु महाराज ने आंख की पुतली बदल दी, दृष्टि बदल दी, अब दृष्टिकोण बहुत अलग हो गया है, मेरे अहंकार का पर्दा फट गया है, मेरे भीतर का मल दूर हो गया है, नष्ट हो गया है, भीतर बिल्कुल पवित्र साफ सुथरा हो गया है। मेरा यश भी महात्मन वह मेरे परोपकार के कारण नहीं, मेरे सत्कर्मों के कारण नहीं, आपकी आध्यात्मिकता के कारण है, मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपकी आध्यात्मिकता के कारण मेरी समृद्धि है, मेरे अपने कारण नहीं, मेरे अपने सत्कर्मों के कारण, मेरे अपने सद्गुणों के कारण नहीं, ये आपके कारण है। अब बुद्धि कितनी पवित्र हो गई है, कितनी निर्मल बुद्धि हो गई है। अब महात्मा उपदेश देते हैं जो कल आपने सुना था। उपदेश देने के बाद दो बातें और कहते हैं, अब प्रस्थान का समय हो गया है, राजन जाइए, राज कीजिए। लेकिन राज राम सेवक बन के करना, किंगडम का राज्य किंग बन के नहीं, कस्टोडियन बन के करना, राम के नौकर बन के करना। ये जो दान इत्यादि आप देते हो, अपने आप को माध्यम समझना, सारी की सारी वस्तुएं परमात्मा की दी हुई हैं औरों को देने के लिए। देखो संतों महात्माओं के शब्द, ये जितना कुछ परमात्मा ने राजन आपको दिया है, हम सबको दिया है, ये दूसरों को देने के लिए दिया हुआ है। कर्ता भाव से ना देना, माध्यम बन के देना, यू आर जस्ट ए चैनल, यू आर जस्ट ए चैनल, माध्यम हो और कुछ नहीं। राजा नक्षत्र वंदना करता है, चरण वंदना करता है और लौटता है। कहते हैं साधक सुनो, थोड़ी ही देर की सत्संगति ने राजा प्राय गुरु महाराज की चरण शरण में आता है, जो अनिवार्य है।
हर एक साधक के लिए, हर एक शिष्य के लिए जो उन्नति करना चाहता है, वर्ल्डली वाइज नहीं, स्पिरिचुअली जो उन्नत होना चाहता है, उसे संत का सानिध्य चाहिए ही चाहिए। उसके बिना वह एक पग भी ऊपर नहीं चढ़ सकेगा। राजा अक्सर आके संत महात्मा की, अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में बैठ के वहां उपासना करता है। कहते हैं कुछ ही देर में वह भी महात्मा जैसा ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी हो गया है। संसार छुपता जाता है, परमात्मा उसी ढंग से, उसी अनुपात से आपको कैप्चर करना शुरू कर देता है, इससे पहले नहीं। जब तक आप संसार की पकड़ में रहोगे, परमात्मा आपको पकड़ता नहीं है। यू आर कैप्चर्ड बाई हिम ओनली वेन यू लीव द वर्ल्ड। मानसिकताओं से आप संसार से विच्छेद करते हो तो परमात्मा आपको पकड़ता है, गले से लगाता है, अपनी गोद में बिठाता है, अपना प्यार दुलार आपको देता है। ये तो ही साधक चरण महात्मा रक्त की कथा। आज स्वामी जी महाराज ने उपदेश मंजरी के अंतर्गत, मंजरी अर्थात ए क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स, फूलों के गुलदस्ते में से आज एक प्रथम फूल स्वामी जी महाराज ने लिया है ग्रंथ पाठ। इस ग्रंथ पाठ में स्वामी जी महाराज ने लिखा है संतों महात्माओं के जो अनुभव हैं वही कालांतर में सदग्रंथ बन जाते हैं। अपने उनके निजी अनुभव, अपने उनकी अनुभूतियां, अतएव ये ग्रंथ मात्र फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे ग्रंथ नहीं हुआ करते, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस जैसे ग्रंथ नहीं हुआ करते। इन ग्रंथों में संतों महात्माओं ने अपना अनुभव उढ़ेला होता है, अपनी अनुभूतियां उढ़ेली हुई होती हैं। अनुभवी संत ही साधकजनों कुछ ऐसे इंप्रेसिव शब्द आपको बता सकेगा जो हृदय में जाके बींधते हैं। जिन्होंने अपने जीवन में कुछ अनुभव नहीं किया हुआ, जिन्होंने अपने जीवन में कोई साधना नहीं की हुई, सेवा इत्यादि नहीं की हुई, उनके शब्द साधकजनों कोई प्रभाव नहीं डालते। व्यक्ति इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है। जैसे कथावाचकों के शब्द हुआ करते हैं, संतों महात्माओं के, अनुभवी संतों के, सुगुण संतों के शब्द इस प्रकार के नहीं हुआ करते। उनका एक एक शब्द हृदय में तीर की तरह जाके लगता है, पीड़ा उत्पन्न करता है, आपके अंदर परमात्मा की प्रीति उत्पन्न करता है। उनका एक एक शब्द, क्यों, हृदय से निकला हुआ शब्द है, मात्र मुख से निकला हुआ शब्द नहीं है। हृदय से निकला हुआ शब्द सीधे हृदय में जाके प्रवेश करता है, अतएव अति प्रभावी शब्द हुआ करते हैं। सदग्रंथों का पाठ, आध्यात्मिक ग्रंथों का पाठ देवियों सज्जनों इसी श्रेणी में आता है, इसी प्रकार का आता है। अपने जीवन को सुधारना है तो सदग्रंथ की सत्संगति कीजिएगा। सदग्रंथ भी अपने आप में सत्संग ही है। सदग्रंथ जो हुआ करते हैं, कभी पढ़ के देखना, कभी देखना इसको। भक्ति प्रकाश जिस वक्त आप पढ़ते हो, यदि आपको हर पृष्ठ पर स्वामी जी महाराज वहां बोलते हुए दिखाई देते हैं तो समझ लीजिएगा आपको आज स्वामी जी महाराज की सत्संगति प्राप्त हुई है, आज आपको विशेष लाभ होगा। तब देवी वह कुछ भी दिखाई देता है जो स्वामी जी महाराज ने पंक्तियों में नहीं लिखा हुआ, जिसको आप कहते हो इन बिटवीन लाइन्स क्या लिखा हुआ है, वह भी स्वामी जी महाराज स्पष्ट करते हैं। यदि आप ऐसा अनुभव करो कि स्वामी जी महाराज का ग्रंथ मेरे सामने है और स्वामी जी महाराज भी मेरे सामने है, मेरे सामने बोल रहे हैं स्वामी जी महाराज, मुझे समझा रहे हैं कि मैंने इसमें क्या लिखा हुआ है, जो नहीं लिखा हुआ वह भी समझाते हैं, ये इसमें और ऐड कर लेना। आज स्वामी जी महाराज ने कहा ज्ञान की प्राप्ति जितनी आसानी से इन ग्रंथों से हुआ करती है, इतनी और कहीं से नहीं हुआ करती। प्रचुर ज्ञान की प्राप्ति होती है सदग्रंथों के अध्ययन से। स्वाध्याय भी इसे ही कहते हैं। सदक्षण थोड़ा व्यापक शब्द है स्वाध्याय। स्वाध्याय मात्र
सदग्रंथों का ही अध्ययन नहीं, स्वाध्याय अर्थात अपना भी अध्ययन वह भी स्वाध्याय में ही आ जाता है। तो स्वाध्याय थोड़ा व्यापक शब्द है, पर स्वाध्याय के अंतर्गत ही ये ग्रंथ पाठ आता है। जीवन पलट जाते हैं साधक जनों। मैं तो यूं कहूंगा, जिस किसी से भी कुछ सीखने को मिलता है समझिएगा वह सदग्रंथ है, चलता फिरता सदग्रंथ। तो बच्चा ही क्यों ना हो, दो बच्चे खेल रहे हैं कहीं, आपस में कुछ ऐसी बात हो गई, एक का मुख इधर हो गया, दूसरे का मुख इधर हो गया। अभी खेल रहे थे, हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, दोनों मिलजुल के खेल रहे थे, एक का मुख इधर हो गया, दूसरे का मुख इधर हो गया, आपस में एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे, बोलचाल बंद। एक संत महात्मा इस दृश्य को देख रहे थे, दोनों को बुलाया, बेटा क्या बात है, अभी तो मैंने आपको खेलते देखा था, इकट्ठे खेल रहे थे, अब एक का मुख इधर हो गया है, दूसरे का मुख इधर हो गया है, आप एक दूसरे को देखते भी नहीं हो, एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर रहे हो। कहा बाबा, पहले हमारी पिक्की थी, अब हमारी कुट्टी हो गई, इसलिए हम एक दूसरे के साथ बोलते नहीं, ना ही एक दूसरे की तरफ देखते। थोड़ी देर के बाद देखा बच्चे फिर खेल रहे। संत महात्मा अपने लिए कहते हैं, फिर हमारे लिए भी कहते हैं, काश हमने भी इन बालकों से कुछ सीखा हुआ होता। इनकी कुट्टी बिल्कुल इसी प्रकार की जैसे पानी पर लकीर, और हमारी कुट्टी किस प्रकार की, जैसे पत्थर पर कुरेद के कुछ लिख दिया जाता है, अमिट, उसको मिटाया नहीं जा सकता। संत महात्मा कहते हैं सदग्रंथ ये सिखाते हैं उस पत्थर पर डाली हुई लकीरों को किस प्रकार से मिटाया जा सकता है। सत्संगति आपको ये सिखाती है साधक जनों, उस पत्थर पर जो लकीरें आपने डाली हुई हैं, जिन्हें अमिट बना दिया हुआ है, कुरेद के बनाया हुआ है जिसे, उसे कैसे मिटाया जाए। दो बच्चों की आपस में लड़ाई हो गई, एक ने अपने माँ बाप को जाके शिकायत लगाई, दूसरे ने अपने माँ बाप को जाके शिकायत लगाई। पड़ोसी आगे बाहर निकलाए, दोनों के पेरेंट्स एक एक की तरफ ले रहे हैं, दूसरे दूसरे की तरफ ले रहे हैं। तेरे पुत्र ने मेरे पुत्र को पीटा, दूसरे कहते नहीं, तेरे पुत्र ने मेरे पुत्र को पीटा। आपस में घमासान युद्ध, बहुत लड़ाई हुई परस्पर, लेन देन बंद, बोलचाल बंद, आपस में अनेक वर्षों का संबंध सब टूट गया। दो बच्चों की भी लड़ाई पर ये कोई मनगढ़ंत कहानियां तो नहीं दिखाई देती ना, हर एक के अनुभव में आने वाली गाथाएं हैं, ये सच्चे दृष्टांत जिन्हें कहा जाता है। कुछ दिन के बाद बच्चे फिर आपस में खेलने लग गए। एक दिन खेला, दूसरा दिन खेला, माता पिता अपने अपने कॉरिडोर में खड़े होकर दोनों को देख रहे हैं। सहस ही मुख से निकला, हमसे ये बालक ही अच्छे हैं, लड़ते हुए भी झगड़ते हुए भी साथ साथ रहते हैं, हम साथ साथ रहते भी एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं। कितने सुंदर शब्द परमात्मा इन सदग्रंथों के माध्यम से, सदग्रंथों से पढ़े हुए कितने सुंदर शब्द निकलवाते हैं। ये परमात्मा की मेहर है, संत वाणी कहिएगा, परमात्मा की वाणी कहिएगा। बच्चे कितने अच्छे हैं, शिशु कितने अच्छे हैं, लड़ाई झगड़ा करते हुए भी साथ साथ रहते हैं, हम साथ साथ रहते हुए भी लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। पेरेंट्स ने अपनी अपनी गलती को स्वीकार किया, एहसास हुआ कि हमसे बड़ी भारी भूल हुई है, दोनों
अपने अपने घर से बाहर निकले, एक दूसरे का आलिंगन किया। इन बच्चों ने हमारी आंखें खोल दी, नहीं तो ये ऐसा ही निशान रहता है जैसे पत्थर पर लकीर डाली हुई है। आज ये बच्चे सदग्रंथ से कम तो नहीं, चलते फिरते सदग्रंथ सिखा गए, बहुत बड़ी बात। इंसान समझदार हो तो फिर आगे से कभी ऐसी भूल नहीं करेगा, बच्चे याद दिलाते रहेंगे निरंतर ये बच्चों ने हमें शिक्षा दी थी। तो साधक जी, मुझे यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।